अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। ये नया एपिसोड है डिजिटल चर्चा का। पिछले एपिसोड से लेकर आज का ये जो एपिसोड है उसमें थोड़ा गैप हुआ है, लेकिन काम में और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी तो इसलिए टाइम नहीं निकाल पाई हूँ। लेकिन अभी कोशिश ये है कि थोड़ा सा और रेगुलरली ये वीडियोज़ मैं पोस्ट करती रहूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परफेक्शनिज्म के बारे में, कि ये आइडिया कि हमको परफेक्ट होना चाहिए, जो भी काम करो उसमें एकदम जो उत्तम लेवल होता है उस तक पहुंचिए। मुझे बहुत बार ये बात बोली गई थी कि हर चीज़ में कि आप जो भी काम करो उसमें आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम परफेक्ट होंगे तो उसी चीज़ में वैल्यू होती है, उसकी अहमियत होती है, वो परफेक्ट होने से आती है। मैं जब यूनिवर्सिटीज में लेवल में थी खास करके, तब मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इस बात से, क्योंकि हमने क्या किया है कि परफेक्शनिज्म जो है वो एक चॉइस होती है, परफेक्ट होना या नहीं होना। हम कंफ्यूज कर देते हैं चॉइस को और एक निश्चित जवाब को। जैसे आप यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ेंगे, तो वो इतना ज़्यादा एक प्रेशर हो जाता है कि मैं किस विषय की डिग्री करूं, क्योंकि जो आज चूज़ किया है, जो आज चुना है, फिर जाकर आगे मतलब लाइफ उसी चीज़ पे बितानी है, फिर उसी चीज़ को हमेशा के एकदम परफेक्ट। क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को शादी करने में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि क्या ये एकदम परफेक्ट मेरा फैसला है कि यही चीज़ एक ज़िंदगी भर निभानी है। तो वैसे ही एक होता है चॉइस, कि हमको खुद चूज़ करना होता है, चुनना होता है कि हमें क्या करना है। दूसरी चीज़ एक होती है, जैसे आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक सवाल होता है, चार जवाब होते हैं, तो वो पहले से जो एक जवाब उसका एक उसमें से चारों में से एक सही जवाब होगा और वो जवाब निश्चित होता है पहले से। तो इन चीज़ों में ये दो बातें हैं चॉइस और आंसर में, जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं इसको। और ये मुझे बहुत साल लगे ये चीज़ ये बात सीखने में, कि अगर मैंने कुछ चॉइस की है कि मुझे कुछ पढ़ना है, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट है। उसको परफेक्ट बनाना आपके हाथ में है, कि हर रोज़ आप क्या कर सकते हैं जिससे आपने जो फैसला लिया है उसे आप परफेक्ट बना सकते हैं। ये पहले से एक निश्चित जवाब नहीं है कि अगर आपने ये फैसला लिया तो इसका मतलब आप ज़रूर इस चीज़ में फेल होंगे। तो हमको इस ये थोड़ा सा जो एक फ़र्क है वो समझना होगा, एक चॉइस में और एक निश्चित जवाब में। हमें इतना ज़्यादा एक प्रेशर लगता है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही सही राह हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसका सोसाइटी भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर उस बात का डालती है। अगर सोचा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है परफेक्शनिज्म का, ये क्यों आज के वक्त में, आज के दौर में ये क्यों इसकी जो महत्वपूर्णता है वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। तो अगर आप देखा जाए कि काम कैसे बदल रहा है, पहले आप देखेंगे कि लोग एक कंपनी में, एक डिपार्टमेंट में उनका एक काम होता है, वो उसमें उनकी जो स्पेशलिटी होती है, एक्सपर्ट एक चीज़ में होते हैं, या एक ही काम, एक ही जो जॉब होता है वो 10, 20, 30, 40 सालों तक वही चीज़ करते हैं। अगर आज आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो यंग जो लोग हैं वो अपनी नौकरियों को और भी जल्दी बदलते हैं। आज बहुत कम आपको ये सुनने मिलेगा कि कोई 20-30 साल से एक ही कंपनी में है। आपको आप देखेंगे लोग 1.5 साल में, 3 साल में, 4-5 सालों में नौकरियां बदलते हैं। मेरे इधर ऑफिस में फॉर एग्जांपल अगर कोई पाँच साल भी कंपनी में है तो सब बोलेंगे कि बहुत लंबा समय है, 5 साल तो बहुत ज़्यादा है। तो और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो इतना जो ट्रैवल करना, सफ़र करना, पढ़ाई करना और अलग अलग देशों में पढ़ाई करना, बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग कंट्रीज से आते हैं लोग उनके साथ पढ़ना, और जो मेरा जॉब में जो एक्सपीरियंस रहा है, शायद वो जर्नलिज्म में हो, पत्रकार होना हो, या वो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में काम करना हो, ये सारे एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि ज़्यादातर लोग की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब आप काम करते हैं और इतने सारे लोगों को से मिलते हैं या आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो लोग अलग अलग टॉपिक पर आपसे बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस टॉपिक्स पे इंटरेस्ट होता है या आप जिस एरिया में काम करते हैं, लोग आपको उसी टॉपिक के बारे में, शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन
जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं तब एक ज़रूरी हो जाता है कि अगर एक ही टॉपिक के बारे में पता हो तो बात आगे बढ़ नहीं सकती है। तो मैं बहुत पढ़ती हूँ और यही है कि आप ऐसी बातें सीखते रहें हमेशा, ताकि जब आप अलग अलग लोगों से मिले तो उनको भी लगे कि अच्छा आप ज़्यादा पढ़ते हैं, आप और भी विषय पर बात कर सकते हैं। और ये एक बात होती है नॉलेज की कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं किसी चीज़ को, आपको फिर लगता है कि उतना ही ज़्यादा मुझे बिल्कुल पता नहीं है चीज़ों के बारे में। मेरा प्रॉब्लम है ये परफेक्शनिज्म से, ये आइडिया कि ऐसा एक लेवल होता है जिधर हम एकदम सबसे टॉप में आ जाएंगे, हमारे सीखने के लिए हम सब कुछ जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, हम सब कुछ सीखते हैं उस टॉपिक के बारे में। मुझे लगता है कि परफेक्शनिज्म एक इम्पॉसिबल, एक असंभव लेवल होता है जो जो हमने अपने आप के लिए बना के रखा है, लेकिन अगर आप बैठकर सोचेंगे तो उसको अचीव करने का मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जो जीनियस होते हैं, जो मतलब अपने आप, जो आप देखते हैं कभी कभी कि 10 साल के बच्चे ने यूनिवर्सिटी की डिग्री ख़त्म कर ली है, 12 साल के बच्चे ने PhD कर लिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम केसेस होते हैं ऐसे। ये लोग आप इनको बोल सकते हैं कि ये जीनियस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो लोग होते हैं जो हम सामूहिक मास लेवल पे, ज़्यादा लोगों के लेवल पर देखते हैं, तो परफेक्शनिज्म एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्या परफेक्शनिज्म हानिकारक हो सकता है हमारे लिए? एक लड़की थी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, जो मुझसे एज में, हमारी उम्र में सिर्फ 1 साल का फ़र्क था, वो मुझसे 1 साल छोटी थी। मैं बहुत दफ़ा उसकी माँ से भी मिल चुकी हूँ और हमेशा एक अच्छी तरह हमारी मुलाकात, बातें, बातचीत सब होती थी। लेकिन एक बार मैंने सुना था कि वो जब उनसे बात कर रही थी तो उनको उसकी जो माँ है उसने बोला कि तुम दोनों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, तो तुम इतनी सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रही हो, तुम भी अखबारों में क्यों नहीं लिख रही हो, तुम भी और भी चीज़ें क्यों नहीं कर सकती हो। और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी, क्योंकि उस लड़की के हिसाब से अनफेयर थी, अनुचित थी वो बात, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका जो स्वभाव जैसा था, वो जैसी थी, वो बिल्कुल, वो बहुत अलग थी। तो ज़रूरी नहीं कि हर लोग, हर इंसान जो जितने उम्र का होता है उसको उसको वैसे ही सबकी तरह जो उस उम्र के हैं वैसे ही उसको बनना पड़ता है। हम परफेक्ट होना किसी चीज़ में उसको मानते हैं कि किसी को बोलना कि आपने जो चूज़ किया है फील्ड, उसमें आप हार्डवर्क करके आप अच्छे बनिए, वो एक अलग बात होती है। और जब हम किसी को एक परफेक्ट बनने के स्टैंडर्ड में डाल देते हैं, वो फिर हम उसको, उसके लिए हम ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं। मैं नॉर्मली परफेक्ट जो होते हैं उनको देखती हूँ, कि जब हम आर्टिस्ट जो होते हैं, जो चित्रकारी करते हैं, उनको हम देखते हैं, कोई कोई बहुत बारीक काम होता है और कितनी अच्छी तरह से वो जो करते हैं, तो उनमें हम बोल सकते हैं कि ये काम एक कितना परफेक्ट है। लेकिन अगर आप उस आर्टिस्ट को भी जाकर पूछेंगे तो वो आर्टिस्ट आपको बोलेगा कि आप नहीं देख पा रहे हैं इसको, लेकिन मुझे मेरे काम में, मैं उसको परफेक्ट नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं यही चीज़ फिर से करूँगा या करूँगी तो इसी में मैं फिर से और कुछ चेंज करूँगी, कुछ बदलाव करूँगी इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसमें फ्लॉज दिख रहे हैं, इसमें गलतियाँ दिख रही हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं। लाइफ जो होती है वो वही होता है कि आपने जो भी किया है आप उससे और आगे जाकर बेहतर करते रहते हैं। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ज़्यादा आप में एक ये सोच होती है, एक विनम्रता होती है कि और भी कितना है सीखने के लिए, कि मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं बता सकता हूँ। आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमें भी पसंद नहीं होता है कि लोग जब अगर बैठकर बातें करते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो इस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, या आप जानते हैं कि लोग जिन्होंने शायद कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया होगा या कुछ बातें दो चार इधर उधर से सुन ली होती हैं, और फिर वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो उस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट होते हैं। तो परफेक्शनिज्म क्या एक सही क्वालिटी है जिसके लिए, जिसके थ्रू हम जज करेंगे, हम ये फैसला करते हैं कि हमें आगे जो हमारी सीख है वो किस लेवल पे होनी चाहिए? तो इस हफ्ते का टॉपिक आप इसी के बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि क्या हम अपने आप को निराशा की ओर लेकर जाते हैं जब हम अपने आप को बोलते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, या हम अपने अंदर उस विनम्रता को पैदा करें और ये सोच रखें कि हम जितना जानते हैं उससे ज़्यादा
दुनिया में और भी लोग हैं जो उसे और जानते हैं, और उन लोगों से भी हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो एक विषय के ऊपर और ज़्यादा जानकारी रखेगा। तो ये पहला पार्ट है इस टॉपिक के ऊपर, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो अगला एपिसोड होगा इंशाल्लाह, जिसमें मुझे इसी बारे में बात करना है। थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे सोचना कि जब हम एक सोसाइटी समाज के लेवल पर अगर हम परफेक्शनिज्म देखते हैं कि किस तरह शायद ये हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, और थोड़ा फिर बात करेंगे हिपोक्रेसी के बारे में भी, दोगलापन, और देखते हैं इनका कनेक्शन क्या है और ये समाज से फिर कैसे लिंक होती है। अगली बार इंशाल्लाह इसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, आजकल बहुत बेकार चीज़ें लोग वायरल करने में लगे हुए हैं, तो उनकी जगह आप ऐसे वीडियोज़ जो पास्ट दूसरी जो वीडियोज़ हैं पहले जो पिछले एपिसोड्स के वीडियोज़ हैं उनको लोगों से शेयर कीजिए, ताकि कुछ नई बातें सोचने का हमें मौका मिले। अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफिज़।